अगर आप किसी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो, या फिर किसी इमेज की बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, या फिर किसी नॉर्मल इमेज की बैकग्राउंड को हटाकर आप उसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन के ब्राउजर में चले जाना है। मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ और यहाँ जाकर आपको सर्च करना है सिंपली रिमूव बैकग्राउंड। आपको रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पे एक साइट देखने को मिलेगा सबसे टॉप पे, जिसका नाम है www.remove.bg.com। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे वो वाली इमेज को अपलोड कर देना है जिसकी बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और ये आपकी गैलरी लोड हो जाएगी और इसमें से मैं वो इमेज चूज कर लेता हूँ जिसकी बैकग्राउंड मुझे हटानी है। मुझे इस वाली इमेज की हटानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और खुद ही रिमूव करके दे देगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस फोटो की बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं, बैकग्राउंड को मुझे यहाँ पे चेंज करना है, एडिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें से नीचे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप चाहो तो कस्टम बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हो, खुद से कोई बैकग्राउंड अपलोड कर सकते हो। चाहो तो कुछ कलर के बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चूज करना है। मैं इस कलर को चूज कर लेता हूँ। अब हम लोग की पिक्चर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ डाउनलोड वाले बटन से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर इसे हटाना है मुझे, बैकअप पीछे पीछे में जाना है, तो यहाँ से अंडो कर दूंगा तो वापस से बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। चाहते हो कि इस पिक्चर में कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड को ही ऐड करना, तो यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड को भी अपलोड कर सकते हो। और मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ ये वाला बैकग्राउंड और यहाँ डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके देख रहे हो कि आपके ये बैकग्राउंड जो है वो अपलोड, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का आपको ऑप्शन आ जाएगा और ये फाइल डाउनलोड हो गई। किसी पार्ट को रीस्टोर या इरेज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपली अगर इरेज करना चाहते हो तो इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्रश का साइज चूज कर लेना है कि ब्रश का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, और ये ऑफसेट चूज कर लेना है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप देख पाओगे ये मेरी ऑफसेट है। और यहाँ से मुझे इस वाली पार्ट को रिमूव करना है तो इस वाली पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। मुझे ये हाथ रिमूव करना है तो मैं ये हाथ को रिमूव कर दूंगा। और वापस से मुझे अगर रिस्टोर करना है तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये रिस्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी पार्ट को रिमूव कर सकते हो या रिस्टोर कर सकते हो। जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।